यह है सागर शर्मा की माँ, जिन्हें अपने बेटे की करतूत पर न सिर्फ घबराहट हो रही है बल्कि उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा कि उनके बेटे ने ऐसा काम भी किया है। आपको बता दें, संसद भवन के अंदर स्मोक गन लेकर जो शख्स गया था उसका नाम सागर शर्मा है। सागर की मां के मुताबिक सागर ई रिक्शा चलाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके बेटे ने ऐसा क्यों और किसके कहने पर किया। जानकारी के मुताबिक लोकसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान जिस शख्स ने दर्शक दीर्घा से कूदकर सांसदों पर हमले की कोशिश की थी उसका नाम ही सागर शर्मा है। सागर स्मोक गन लेकर संसद के अंदर गया था जिससे बारूद की महक भी आ रही थी। बताया जा रहा है कि सदन में मौजूद सांसदों ने मिलकर सागर पर काबू करने की कोशिश भी की थी। इसके बाद सदन के अंदर सुरक्षा में मौजूद सुरक्षाकर्मी आ गए और सागर को काबू में कर लिया। इसी बीच सागर के बारे में जांच की गई तो पता चला कि सागर लखनऊ का रहने वाला है, जिसके बाद लखनऊ पुलिस एक्शन में आ गई, बल्कि लखनऊ पुलिस ने सागर के घर जाकर जांच पड़ताल भी की। वहीं इस पूरे मामले पर सागर की मां का कहना है कि उनका बेटा दिल्ली में दोस्तों से मिलने की बात बोलकर गया था और दो दिन में वापस घर आने की बात भी उसने कही थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया उनको इस बारे में नहीं पता है। आइए आपको सुनाते हैं सागर की माँ का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। आपके सामने नजर आया हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं करता था, बस गलत कोई बात नहीं करता था, बस जो मुझको टोके। घर से क्या बता के गया था? घर से बता के गया था मम्मी दो दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं आ जाऊंगा वापस दो दिन के बाद, फिर गाड़ी चलाऊंगा आके। कहाँ बता के गया था वो? कह रहा था मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ दिल्ली जाने। तो आपने पूछा नहीं कि दिल्ली क्यों जा रहे हो? पूछा था तो बोले मम्मी काम से जा रहे हैं, आ जाएंगे हम। क्या काम बताया था उसने? दोस्तों से मिलने के लिए बोला था, आ जाऊंगा। तो इस सागर की मां के बाद अब सागर के मामा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सागर ऐसा काम नहीं कर सकता, बल्कि किसी साजिश के तहत सागर को फंसाया गया है। बस किसी तरीके से छानबीन की जाए सर, उसको देखा जाए क्या है कैसे, बस और कुछ नहीं कि फंसाया गया है, बस मैं इतना जानता हूँ। अगर वो ऐसा होता तो कहीं कोई लिंक पहले का भी तो होना चाहिए सर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिन लोगों के साथ वो कूदा है उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है? हाँ, मुझे लगता है वो, क्योंकि यूं ही नहीं मिला होगा क्योंकि घूमने की हैसियत नहीं है, हो सकता फेसबुक वगैरह फेसबुक वगैरह दोस्ती जैसे लोग कर लेते हैं ऐसी मुलाकात हुई होगी। नहीं, इतना घूमने के इतने पैसे छोटे आदमी के पास कहाँ आएंगे, ये भी तो है। फेसबुक के सिवाय कहाँ दोस्ती किसी की ऐसे होगी, इतनी दूरियां दिखा रहा, मैं न्यूज पे रात में देख रहा था, इतनी दूर कैसे कोई फोन से ही मिल सकता, डायरेक्ट नहीं मिल सकता, एकत्रित करके फंसाया गया। आपको बता दें, संसद भवन की सुरक्षा तोड़ने वाले दोनों आरोपी युवकों के नाम सागर और मनोरंजन हैं। इनके साथ नीलम और अमोल शिंदे ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था। बताया जा रहा है कि सागर शर्मा मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के अतिथि के रूप में दर्शक दरगाह में आया था। उसका परिवार लखनऊ के आलमबाग में किराए के घर में रहता है, लेकिन पुलिस और जांच एजेंसियां अब इस बात की जांच में जुटी हुई हैं कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये एक संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है और इसकी भी अब जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।